मानसिक रूप से खुद को मजबूत कैसे रखें या खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें, आइए जान लेते हैं वीडियो के थ्रू। सबसे पहले तो उदास रहना छोड़ दो। हम सभी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए सभी चीज़ों को भुलाकर खुद को खुश रखने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आपसे खुश हो जाए। आप अपने काम पर बिलीव कीजिए। आपको लगता है कि काम सही है, आप खुश हो तो ठीक है, तो उससे पूछिए जिस पे आपको सबसे ज़्यादा बिलीव हो, क्योंकि दुनिया को आप में कहीं ना कहीं कमी लगेगी और वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम कर देते हैं। अपनी गलतियों से सीखो। जो लोग अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसीलिए अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना। अगर आप अपने दिमाग को तेज और शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो हमेशा कोशिश करते रहें, यही कोशिश आपकी बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनेगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। अपनी कोशिश पर विश्वास रखना और यही विश्वास आपकी कामयाबी का हिस्सा ज़रूर बनेगा। ऐसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। जितना जल्दी हो सके अपने माइंड से नेगेटिव थिंकिंग को निकालते रहें और पॉजिटिव थिंकिंग को अपने माइंड में डालते रहे, क्योंकि एक सफल इंसान बनने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस पूरी वीडियो में आपको यही बताना चाहती थी कि आप अपना पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनाए रखें, क्योंकि कामयाबी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं बनता है तो आइए जानते हैं। मेडिटेशन या योगा कीजिए। अगर आपको योगा करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है या आपको अच्छा ही नहीं लगता है योगा करना, तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करोगे? तो इसका बेस्ट तरीका है कि अगर आप दिन में कभी भी फ्री टाइम मिले तो आप अपने आप से टॉक कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। ऐसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।